अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक लेस डिज़ाइन लेकर आई हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। सो आज हम बनाएंगे कॉटन थ्रेड से लेस, और जिसके लिए मैंने स्कार्फ ले लिया है। और ये कॉटन थ्रेड आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी परचेस लिंक। और नीडल मैंने ली है 7 नंबर 0.95 mm की, इसकी भी परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो सबसे पहले हम स्कार्फ को फ्रंट साइड से ले लेंगे। आपको फ्रंट साइड इसका लेना है और फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट ले लेंगे हम। नीडल की निब हमें अपनी तरफ पकड़नी है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस कर दे, और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक करना ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। सो सबसे पहले हम इस तरीके से स्लिप नट ले लेंगे और दुपट्टे के कॉर्नर से आपको स्टार्ट से आपको अटैच करना है। अटैच करने के बाद थोड़ा नज़दीक से देख ले, इस तरीके से धागा ले ले अंदर की तरफ और अटैच कर ले। पहले हम बेस से, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बार मैं बेस नहीं बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि बेस कैसे बनाना है। सिंपली हमें अटैच करने के बाद टू चैन लेनी है। टू चैन लेने के बाद थोड़े से गैप पर आपको अटैच कर लेना है। इस तरीके से नीडल डालनी है और बैक तरफ से धागा लेते हुए फ्रंट में आ जाना है, दोनों धागों में से बाहर आ जाना है। इस तरीके से अटैच हो गया। अब हम फिर से लेंगे टू चैन, वन टू, और फिर इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमें पूरी लेंथ पर, अगर आप चारों तरफ बना रहे हैं तो चारों तरफ, पहले आपको ये डिज़ाइन बनाने के स्टार्ट में पहले चारों तरफ आपको इसी तरीके से बेस बना लेना है। मैं वन साइड ही ये लेस बना रही हूँ तो मैं वन साइड ये पूरा कॉर्नर तक बनाकर आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने पूरी लाइन पर इसी तरीके से बेस बना लिया है। और सिंपली अगर आप बिगिनर्स हैं ना तो आप इस तरीके का बेस भी बनाओगे ना दुपट्टे पर तो बहुत प्यारा लगता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस तरीके से हमें एंड तक आ जाना है, और जहाँ पर आप एंड करोगे, अगर चारों तरफ बना रहे तो चारों तरफ पहले बना ले। अब जब लास्ट आपने बना लिया तो अब आपको क्या करना है, वन चैन लेकर टर्न लेना है। अगर आप सिंगल साइड बना रहे हैं तब आपको ऐसे करना है, वरना डायरेक्ट आप डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। वन चैन लेकर हम फर्स्ट गैप में, टू चैन का जो हमारा यहाँ से जो फर्स्ट गैप है इसमें सिंपली नीडल डालकर अटैच कर लो इस तरीके से। अटैच करने के बाद जो लास्ट डिज़ाइन में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिज़ाइन शेयर की थी ना, बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है। धागा खींचते हुए बाहर आए और दोनों धागों को उंगली से ऐसे बीच में पकड़ लेना है ताकि वो एक दूसरे में मिले ना। अब धागा लेते हुए इस धागे में से बाहर आ जाना है, और जो ये इस तरफ का सिंगल धागा है ना इसमें आपको फिर से नीडल डालनी है। अब धागा लेते हुए बाहर आना है। अब दो धागे दिख रहे हैं नीडल पर, अब इन दोनों धागों में से हमें बाहर आ जाना है इस तरीके से। अब फिर से सेम इसी तरीके से एक बार और बना लेंगे। थोड़ा सा धागा, जितना आपने पहली बार में धागा खींचा है ना बिल्कुल उतना ही आपको नेक्स्ट टाइम में भी धागा खींचना है और बाहर आ जाना है। बिल्कुल इसी तरीके से दो बीच में हाथ रखें और सिंगल धागे के नीचे से हमें नीडल डालनी है। धागा लेते हुए बाहर आना है और दोनों धागों में से बाहर आ जाना है। अब इस तरीके से ये दो लूप आपने बना लिए। अब दो गैप हमें छोड़ने हैं टू चैन वाले, टू चैन अटैच के ऐसे दो गैप छोड़कर थर्ड गैप में हम सिंपली अटैच करेंगे इस तरीके से। ये हो गया। अब ऐसे ही हमें ये पूरी लेंथ पर बना लेना है। फिर से मैं और थोड़ा आपको बनाकर बताऊंगी ताकि और अच्छे से आपके समझ में आ जाए। धागा खींच लेना है, यहीं से हमें नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए धागा खींचना है। बीच में हाथ रखें इस तरीके से, और सिंगल धागे में से आपको नीडल डालनी है। धागा लेते हुए बाहर आना है और दोनों धागों में से बाहर आ जाना है। ऐसे हमें दो बार करना है। फिर से एक बार कर लेंगे, धागा खींचते हुए बाहर आएंगे, यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे, सॉरी धागा लेते हुए बाहर आ जाएंगे और सिंगल धागे में से नीडल डालकर अटैच कर लेंगे। अब इन दोनों को हम दो गैप छोड़ेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड गैप में हमें अटैच करना है इस तरीके से।
अगर आप लोग ये देखोगे ना वीडियो के थंबनेल पर, तो आपको लगेगा ये बहुत ही हार्ड है, लेकिन बिगिनर्स भी ये लेस इजीली बना लोगे। अगर आप बनाने बैठोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना इजी है। इसी तरीके से हम फिर से कर लेंगे। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि कहीं पर धागा ज़्यादा और कहीं पर कम खींचकर नहीं निकालना है। अगर आप ज़्यादा खींचोगे तो वो डिज़ाइन लटकने लगेगी और ऊपर नीचे लगेगी, मतलब एक इक्वल लाइन में नहीं लगेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, हर बार आपको सेम लेंथ में धागा खींचकर बाहर निकालना है। और इसी तरीके से हम कंटिन्यू ये पूरी लाइन बना लेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट लाइन ये कंप्लीट करके पूरा बताती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे पूरी लेंथ पर वन साइड पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से आपको बना लेना है। अगर आप चाहो तो इसे रुमाल पर भी बना सकते हैं, ये डिज़ाइन तभी भी बहुत अच्छी लगेगी। और ऐसा कंप्लीट करने के बाद आपको यहीं से हम नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर आपने लास्ट में अटैच कर लिया ना, वहीं से आपको फिर से धागा खींचते हुए बाहर आना है, मतलब धागा खींच लेना है इस तरीके से, और दोनों धागों में फिंगर रखनी है। जो डिज़ाइन हमने बनाई ना, वही कंटिन्यू हमें करना है। लेकिन फिर कहाँ अटैच करना है उस बात का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल इसी तरीके से धागा खींचते हुए दोनों तरफ से बना ले आप, दो टाइम बना, टू टाइम्स ऐसे ही बनाना है। अब हम फिर से आएंगे फ्रंट साइड में। ये देखें, अब जो ये हमने एक दो राउंड्स बनाए थे ना, उसके बीच वाला जो अटैच है, इसमें हमें नीडल डालनी है। दो राउंड्स के बीच में जो हमने अटैच लिया है ना, इस अटैच के अंदर हमें अटैच करना है। इस तरीके से सिंपली अटैच करना है, उस अटैच में आपको नीडल डालनी है, धागा लेते हुए बाहर आना है और दोनों धागों में से बाहर आ जाना है। इस तरीके से फिर से इसी तरीके से बना ले, धागा खींचते हुए बाहर आ जाए, दोनों धागों में फिंगर रखना है इस तरीके से और अटैच कर लेना है। ऐसे हम टू टाइम्स करेंगे, फिर से धागा खींचकर बाहर आ जाना है और यहाँ पर ऐसे अटैच कर लेना है इस तरीके से। अब जो ये नेक्स्ट दो राउंड हमने बनाए हैं, उसके बीच में हमें अटैच कर लेना है। सेम इसी तरीके से हम कंटिन्यू बनाते जाएंगे। धागा खींचते हुए बाहर आना है, अटैच कर लेना है। अब तो आप लोगों को ये डिज़ाइन समझ में आ गई है, मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो बिगिनर्स है उन लोगों के लिए, जितनी लेंथ आप खींच रहे ना, हर बार उतनी ही ले, ध्यान रखें इस बात का और अटैच कर ले। दो दो जो राउंड्स हमने बनाए हैं, उसके बीच वाले अटैच के ऊपर अटैच करना है। एंड या इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। कंटिन्यू बनाते जाएं और ये पूरी लाइन कंप्लीट करें। एक बार फिर से दिखा देती हूँ। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे बनाना है। और कोई भी डिफ़िकल्टी होगी फिर भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM करें। इस तरीके से आपको कंटिन्यू फॉलो करते जाना है। और अब मैं आपको इसका पूरी लेंथ कंप्लीट करके बताती हूँ। दो लाइन कंप्लीट होने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पर अटैच करके धागा कट करना है, वो मैं शूट करना भूल गई, सॉरी। तो ये बहुत ही इजी है, सिंपली आपको 2 चेन एक्स्ट्रा लेनी है, धागा कट करना है और बैक साइड में अटैच कर ले। अब मैं यहाँ पर कलर चेंज कर रही हूँ। अगर आप चेंज नहीं भी करोगे तब भी आपको अटैच कर लेना है, लॉक कर लेना है, एंड देन फिर से आपको यहाँ से आपको अटैच करके कंटिन्यू फॉलो करना है। ये मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर का कॉटन थ्रेड लिया है, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं ब्लैक के साथ। अब हम कंटिन्यू इसे फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट ले लेंगे। स्लिप नट लेने के बाद ये देखिए, जो हमने सेकेंड लाइन जहाँ से स्टार्ट की थी ना, उसके जो दो राउंड्स के बीच वाला गैप है, उसमें हम पहले अटैच करेंगे। सिंपली अटैच कर ले। अटैच करने के बाद सेम डिज़ाइन फॉलो करनी है, लेकिन फर्स्ट राउंड पहले आप बना लो। थोड़ी सी यहाँ पर डिज़ाइन चेंज होगी, लेकिन ये सेम जो हम राउंड बनाते हैं, धागा खींचते हुए बाहर आना है, सिंगल धागे में अटैच कर लेना है। अब यहाँ से हमें थोड़ी डिज़ाइन चेंज करनी है। ये बनाने के बाद आपको लेनी है 4 चेन, 1 2 3 4।
फोर चैन लेने के बाद ये जो हमने अटैच किया है ना उसमें हमें अटैच कर लेना है। फिर से नीडल डाल दो, इस तरीके से आपको पकड़ लेना है ताकि आसानी हो धागा पास करने में। और फोर चैन को अटैच करके हम राउंड बना लेंगे, और राउंड बनाने के बाद फिर से धागा खींच कर बाहर निकालेंगे। जितनी लेंथ पहले ली थी ना बिल्कुल उतनी ही ले लो, और इस तरीके से, और सिंगल धागे में हम अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अब जो ये सेकंड वाला हमारा लूप है, राउंड जो हमने दो राउंड्स बनाए हैं उनके बीच के अटैच में हम अटैच कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा फर्स्ट राउंड बन गया। अब सेकंड राउंड में बनेगा फ्लावर, तो पहले हम धागा खींच कर अटैच कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। अटैच करने के बाद हम फिर लेंगे सेवन चैन, 1, 2, 3, 4, ये 3 हो गई, 4, 5, 6, 7, 7 चैन लेने के बाद हम यहाँ पर फर्स्ट चैन के गैप में अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम फिर लेंगे, इस राउंड में फ्लावर बनाना है तो हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, 1, 2 एंड 3। 3 चैन लेने के बाद इस राउंड को ऐसे पकड़ लेना है, और इस राउंड में हमें बनाना है 3 टाइम्स डबल क्रोचेट, 1, 2 एंड ये 3। फिर लेंगे हम 2 चैन और अटैच कर लेंगे फिर उसी गैप में। फिर से एक बार पहले अटैच करेंगे, फिर लेंगे 2 चैन और सेम गैप में फिर से हम 3 टाइम्स डबल क्रोचेट ले लेंगे, 1, 2, 3। फिर लेंगे हम 2 चैन और अटैच कर लेंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा खींचकर स्पेस बना लेंगे। फिर सेम गैप में अटैच कर लेंगे, और फिर 2 चैन लेकर 3 टाइम्स डबल क्रोचेट गैप में बना लेंगे, 1, 2, 3। अब फिर 2 चैन लेकर अटैच कर लेंगे, और ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। और ये देखें आप, हमारा फ्लावर बिल्कुल रेडी है इस तरीके से। अब हम यहीं से जहाँ पर एंड होगा ना वहीं से धागा खींचकर बाहर निकालना है, और सेम इसी तरीके से अटैच कर लेना है सिंगल धागे की तरफ से, और नेक्स्ट जो हमारा राउंड है ना उसके बीच के अटैच के ऊपर अटैच कर लेना है इस तरीके से। ये हमारा एक 4 चैन वाला राउंड बन गया, एक फ्लावर बन गया। अब हम फिर से 4 चैन वाला राउंड बनाएंगे, तो पहले हम इसी तरीके से धागा खींचते हुए निकाल लेंगे, अटैच कर लेंगे। अब हम फिर यहाँ पर 4 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। अब फर्स्ट चैन के गैप में अटैच कर लेंगे ऐसे, धागा खींचते हुए बाहर निकाल कर ये ऐसे बना लेंगे और अटैच कर लेंगे नेक्स्ट राउंड में। अब ये बनने के बाद फिर से हम इस तरीके से फ्लावर बना लेंगे, जैसे हमने फ्लावर बनाया वो बनेगा। फिर उसके बाद फिर से 4 चैन अटैच बनेगा, और ऐसे ही हम ये लेंथ पूरी कंप्लीट करेंगे। फिर से अब हम यहाँ पर फ्लावर बना लेंगे, धागा खींचते हुए आ जाना है और डिज़ाइन फॉलो करना है। तरीके से अब हम लेंगे फिर से 7 चैन फर्स्ट चैन में अटैच कर लेंगे, 3 चैन लेंगे, टर्न ले लेंगे,
गैप में, 7 चेन के गैप में 3 टाइम्स डबल क्रोचेट, 1 ये 2 एंड ये 3, फिर 2 चेन लेंगे और गैप में अटैच कर लेंगे, फिर सेम गैप में अटैच करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर 3 टाइम्स डबल क्रोचेट लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, अटैच कर लेंगे, फिर अटैच कर कर फिर से 2 चेन लेंगे और सेम गैप में 3 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेंगे। ये लास्ट हमारा पंखड़ी है, 3 पत्तियां हमें ऐसे ही बना लेनी हैं और फिर लास्ट में ये 3 डबल क्रोचेट होने के बाद 2 चेन लेकर अटैच कर लेंगे और ये हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। अब धागा खींचते हुए बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर सेम वैसे ही एक राउंड बना लेंगे और नेक्स्ट जो राउंड है उसके ऊपर हम अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अब हम फिर से 4 चेन वाला राउंड बना लेंगे, धागा खींचते हुए हमें बाहर आना है, अटैच कर लेना है, फोर चेन लेनी है, अटैच कर लेना है, फिर धागा खींचते हुए बाहर आना है और अटैच कर लेना है। यहाँ पर नेक्स्ट जो 2 राउंड है उनके बीच में अटैच कर लेंगे और इसी तरीके से हम कंटिन्यू फॉलो करेंगे। अब हम फिर से बनाएंगे फ्लावर वाला राउंड, फिर बनाएंगे 4 चेन वाला राउंड, फिर फ्लावर वाला राउंड और कंटिन्यू ऐसे ही हमें फॉलो करते जाना है। सो आई होप कि आप लोगों को ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से समझ में आई है। कोई भी डिफ़िकल्टी है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ कितना प्यारा लगता है ये। ऐसे ही आपको कंटिन्यू फॉलो करते जाना है एंड तक। और ये देखिए जब आप इसकी पूरी लाइन बना लोगे तो लास्ट में लास्ट जो अटैच करोगे ना उसके बाद में आपको कैसे लॉक करना है ये डिज़ाइन को, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि एंड कैसे करना है। लास्ट अटैच के बाद आपको 2 चैन लेनी है, 2 चैन लेकर हम यहाँ पर धागा कट करेंगे, और ये लॉक हो गया। अब ये इसका फ्रंट साइड है तो हम बैक साइड में आ जाएंगे, निडल लेंगे और पीछे से कोई भी धागा उठा ले और ये जो धागा है इसे हम अंदर की तरफ ले लेंगे ताकि फ्रंट साइड से दिखे ना। और उसके बाद में अंदर की तरफ लेने के बाद अब आप जो बचा हुआ धागा है उसे कट कर सकते हैं। सो ये इसका फाइनल लुक है। आई होप कि आप लोगों को ये डिज़ाइन अच्छे से समझ में आई है और आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर भी किया है। कमेंट करके बताएं आपको ये लेस डिज़ाइन कैसी लगी। ये देखिए गाइस, ये है हमारे स्कार्फ का फाइनल लुक। इसमें जो मैंने फ्लावर्स बनाए हैं ना, इसकी मैंने फुल ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की है। मुझे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। लेकिन अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम की IGTV पर मेरी फर्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं क्रोशिया की आप लोगों के साथ फुल डिटेल वीडियो शेयर करने वाली हूँ ये फ्लावर की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाय गाइज़।